नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना केस कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे के अंदर बंगाल में एक दिन में 8,419 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है। कोलकाता में एक दिन में रिकॉर्ड 2,197 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। कोलकाता के बाद सबसे ज्यादा केस पड़ोस के नॉर्थ 24 परगना जिले में आए हैं। यहां एक दिन में 1,860 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। बंगाल में कोरोना से कुल मौत 10,568 हुई हैं। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, हम लगातार अपनी तमाम चर्चाओं में इस बात का जिक्र बार बार करते रहे कि शायद अब राजनीतिक दलों को ये कदम उठाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये कदम वाकई में स्वागत योग्य है, क्योंकि कल बालीगंज में ममता बनर्जी ने चुनावी रैली की और 22 तारीख के बाद जो यानी जो दो चरण के जो चुनाव बचेंगे 26 और 29 तारीख को, उसमें कलकत्ता के अधिकांश इलाकों में वोटिंग होनी है। लेकिन चुनावी रैलियों में जिस तरीके से रोक लगाई है ममता बनर्जी ने, वाकई में बहुत सराहा जा रहा है उनके इस कदम को। वामपंथियों ने पहले ही कह दिया था कि वो कोई भी रैली और कोई भी सभा नहीं करेंगे। कल शाम के वक्त ये फैसला लिया गया और अब माना जा रहा है कि कोलकाता में यानी जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर किसी तरीके का प्रचार ममता बनर्जी नहीं करेंगी। प्रतीकात्मक तौर पर मीटिंग लेंगी। जिन जिलों में रैलियां होनी भी है उसका टाइम भी कट शॉर्ट करके 30 मिनट का कर दिया गया है। स्वागत योग्य कदम है और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब जनता खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकती तो वो राजनेताओं की तरफ देखती है। अगर राजनेता भी सही संदेश नहीं देंगे, भीड़ जुटाएंगे, रैलियां करेंगे, जनसभा करेंगे, तो फिर जनता क्या करेगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।